तमाम भीड़ आप देख सकते होंगे और हमारे साथ पीला गमछा दिख रहा होगा और पीला गमछा देख के आप समझ ही गए होंगे या तो ये लोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से होंगे या एक और पार्टी बनी है महेंद्र राजभर की सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। आइए कुछ लोग हम इनसे थोड़ा सा इधर आइए चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम गोपाल यादव। अच्छा जी, यादव जी हैं? जी जी। तो ये पीला गमछा लेके घूम रहे भाई, देश का सम्मान देखना हमको और बीजेपी सरकार सम्मान देखने के लिए कुछ झूठे झूठे वादा करके जैसे साल में 2 करोड़ भर्ती करना नौजवानों बेरोजगारों को और साल में काला धन देने के लिए 15 लाख बोल रखे थे, कुछ नहीं किए और सब झूठा झूठा सरकार। एक बार जनता ने मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, तीसरी बार धोखा दे करके जनता सभी लाभवंद हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ उठ करने जा रही है, उन्होंने कई वादे किए हैं जिसे कर्ज मुक्त वो बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिए। अरे गरीब किसान कोई 10-20 हजार लिया उसका कर्ज माफ ही नहीं हो रहा है और वहाँ से आदेश कर दिए बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, तमाम लोग जब बंद कर रहे हैं। इस समय की बात चल रही है, ताज़ा घटना मेरे ऊपर भी है। हाँ, और बेरोजगारी ऐसे पेंशन है जो बंद है वो बहाल करने जा रहे हैं ये लोग, जो भी मानदेय पर हैं उनको रेगुलर करने जा रहे हैं, गरीब पात्र महिला को 1 लाख साल में देने जा रहे हैं, उधर 30 लाख कर्मचारी नौजवानों को भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सरकार बनते ही कैबिनेट का तत्काल फैसला है। यही मुद्दों के साथ हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ इलाम बंद हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, पीला गमछा एक लेके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, वो कह रहे हैं हो गए, उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपने बिकाऊ माल बिक गए, वो खौड़ी के 3 लेन देन करके बिक गए, हम अपने सम्मान के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं जी। हाँ नेता जी, थोड़ा इधर आइए, क्या नाम पड़ेगा? बाबूराम राजभर। अच्छा, राजभर जी जी। अच्छा, तो आप भी जो है आ गए पीला गमछा लगा के, उधर जो है वो एनडीए में भाजपा में शामिल हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, का वो नहीं सही है? नहीं, हम लोग भी तो उन्हें साथ सही रहते तो फिर आज हम लोग मतलब उनका साथ क्यों छोड़ते हैं, लेकिन वो फिर बदलू आदमी हैं, जो परिवार के विषय में सोचते हैं, समाज के विषय में तो सोचते नहीं हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी इस दल कभी उस दल में, कब तक इस तरफ हम लोग को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? तो क्या लग रहा है अभी यहाँ पे आए हैं और प्रचार कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी का, तो क्या लग रहा है धर्मेंद्र राजू जीतेंगे यहाँ? बिल्कुल जीतेंगे, हम लोग महेंद्र राजभर के साथ हैं, पूरे दल बल के साथ जो है कि हमारे समाज के लोग जो है कि महेंद्र राजभर के साथ हैं और महेंद्र राजभर और जो है सपा के साथ हमारा गठबंधन है जी। अरे जो चमत्कार आप लोगों ने किया वहाँ घोसी में, वो चमत्कार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है? अभी वो तो सर अभी स्टार्टिंग था ना, अभी तो 6 महीना की भी नहीं पार्टी थी, वो तो 6 महीना का नमूना था, आप देखिए ना, अब देखिए क्या होता है देश और प्रदेश में। अच्छा जी, बदलाव दिखाई दे रहे हैं। निरहुआ जी जो है आम्रपाली के साथ जा रहे हैं नामांकन करने, कह रहे हैं इस बार भी जो है जीत हमारी है। भाई आम्रपाली को लेकर कब तक जो है कि नुमाइश करेंगे और ये इस तरह जो है कि मतलब चुनाव जीतेंगे? भाई एक बार जनता उनका सम्मान की ना, एक बार की दो बार की भाई आम्रपाली दुबे का भी सम्मान किए, निरहुआ लाल यादव का भी सम्मान किए, मगर ये आजमगढ़ के लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, कब तक बेवकूफ़ आप बनाएंगे? हीरो हीरोइन को घुमाने से जो है कि मतलब देश और प्रदेश का विकास होगा? अरे जनता जा रही है, जनता जाएगी वो तो आम्रपाली दुबे को देखने जा रही है, निरहुआ यादव को थोड़ी देखने जा रही है, और क्या आम्रपाली को देख? हाँ और क्या, तो भाई पर्दे पर थोड़ा सा वही सोच के हो सकता है वोट भी दे दे जनता? नहीं ऐसा नहीं है भाई। अरे भाई वो देखने रोजगार दे रहे हैं सबको, देख नहीं लिए 10 साल हम लोग देख लिए, रोजगार कहाँ से देंगे? वो तो कहते हैं कि हमें नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप 8-8 बच्चे पैदा करेंगे तो इतना रोजगार कैसे देंगे? अगर 8 बच्चा पैदा करते एक ही बच्चा को किसको किसको रोजगार दे दिए, एक ही बच्चा वालों को बताओ आप, ठीक 8 बच्चे के पास खाने के लिए एक बच्चे परिवार वाले किसको किसको रोटी रोजी दिए गिने गाँव देखा, अब घूमेंगे तब ना बताएंगे किसको किसको दे दिए। बदलाव हो गया भाई, वोटा नहीं पड़ा है कह रहे हैं, पूरी जनता का माइंड है कि पूरा बदलाव हो गया है। ये और धोखा दिए, ये आप नहीं गमछा बोल रहा है? नहीं नहीं गमछा नहीं बोल रहा है, अंदर से बोल रहे हैं हम लोग, अंदर से बोल रहे हैं, बदलाव हो गया है, ठगों को हटाने के लिए बदलाव हो गया है, अब ठगी विद्या नहीं चलेगी। चुनाव लड़ रही है, सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका चैनल बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, निष्पक्ष दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको,
यहाँ पर हमारे जो सुहेल देव पार्टी के हमारे जो साथी हैं और जो समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी हैं सबका मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और परिवर्तन ये जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हो गया, वो क्लियर हो गया है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव, ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता परिवर्तन चाहती है। तो 400 पार का आंकड़ा का नारा लग रहा है, पार नहीं 400 हार, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा पत्रकार महोदय, फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपका चैनल हम लोग देखते हैं, आप निष्पक्ष पर, आप जैसे पत्रकारों को इस देश में जरूरत है, ईमानदारों की जरूरत है। क्या कर रहे हैं उधर, हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग कीड़े मकौड़ी की तरह गली गली घूमते हैं, हम कौन सा पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जमीनी हकीकत आप लोग दिखा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जैसे चैनल, छोटे छोटे चैनल जो हैं, एकदम जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, जान लीजिए, जनता परिवर्तन एकदम जनता चुनाव लड़ रही है, पीडीए चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या देख रहे हैं, पीला गमछा राजभर समाज के लोग है समर्थक, अब सोच लिए जमीन पे क्या चल रहा है। अरे राजभर समाज के समर्थक तो उनके साथ है, ओम प्रकाश राज नहीं है यार, उस फराड है यार, सब नीचे से ऊपर तक फराड है। इस बार ईमानदारी वाला हाथी वाला जो जिसको कहा जाती है, जो हाथी वाला वोट है ना, वो साइकिल के साथ है, एकदम इनके बस एक जुमलेंद्र नाथ जो आप कहे हेलीकॉप्टर से ना, ये गोदी मीडिया वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं, आप लोग हकीकत दिखाते हैं, असली जनता आप लोगों से मिलती है, वो तो बीके सेट कर मैच फिक्सिंग वाले हैं, समझ गए ना, मैच फिक्सिंग वाले हैं। इस बार परिवर्तन होना है, और जहाँ तक सवाल 400 का है, जनता नहीं समझ पा रही, 400 पार होगा, लहसुन होगा, तेल होगा, प्याज होगी, और चीजें हैं, वो सब महंगी होगी 400। ये कह कह के आप लोग डरा रहे हैं जनता को, ये कह रहे हैं भाजपा वाले, हम डरा रहे हैं कि उनके मंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण और संविधान हम खत्म कर देंगे जिस दिन 400 पार आ जाएगा। 25 साल उनकी 25 साल नहीं होगा चुनाव, हाँ लास्ट चुनाव है, अगर 400 पार हो जाएंगे तो ये लास्ट चुनाव है, गुलामी आ जाएगी, गुलामी, अब गुलाम करना चाहता है मोदी जोगी, देश को गुलाम करवाना चाहते हैं, फिर गुलामी लाना चाहते हैं, हम लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे आजाद देश के हम लोग हैं, आजाद कहाँ हम लोग हैं, लोकतांत्रिक, आज हम लोग गुलाम है, जोगी मोदी के गुलाम है, संविधान खतरा में, तो कहाँ हम लोग आजाद हैं, अपने मन से सब बदलते रहे, तो कहाँ हम लोग जोगी आजाद हैं, हम लोग गुलाम न है, मोदी जोगी के गुलाम बन गए, अंग्रेज ठीक तो बिल्कुल, मोदी जोगी नहीं ठीक। चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में खुली लूट लोकतंत्र की हुई, सोचिए अभी अभी गुजरात में हुआ है, इंदौर में हुआ, खजुराहो में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नोटा है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नोटा का बटन है, एक ही कैंडिडेट था, आप वोट पढ़ने देते, पब्लिक फैसला ले लेती कि अच्छा कैंडिडेट है कि नोटा अच्छा है, जवाब दे देती। आपको किसी संस्था पे भरोसा विश्वास नहीं रह गया है, मोदी जी को कौन है, दुईठ तो हैं, दूठो देश बेच रहे हैं गुजराती, और दूठो देश खरीद रहे हैं गुजराती, मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, बस यही है और किसी। अच्छा ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपने मन से वसुंधरा राजे को हटा दिए, शिवराज को, जितने अच्छे मनोहर लाल खट्टर सबको हटा दिए, ये केवल अमित शाह और मोदी जिसको चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे पागलों को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए कि अब क्या बताया जाए, ये उनकी तानाशाही है, तानाशाही, ताना।